वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो पेपर आपका है कोर टू है जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसमें एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। सेमेस्टर वन का ये पेपर है नंबर सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम लोग को देखना है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के कंसेप्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और फिर इसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इसकी कन्वर्जन से रिलेटेड, कि जो भी नंबर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो NTA UGC के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे भी उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए भी है जो एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं NTA के एग्ज़ाम में, UGC NTA के एग्ज़ाम में, या अपेयर होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये वाला आज का लेक्चर जो है। मैं कोशिश करूँगा कि एक से दो लेक्चर में इसको कम्प्लीट करने के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर इससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि नंबर सिस्टम होता है क्या, इसके कंसेप्ट्स क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे हम पढ़ेंगे जानेंगे या कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल के बारे जानेंगे, तो हमें नंबर सिस्टम को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली नंबर सिस्टम जो होते हैं वो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में वो उसको फोर पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है यहाँ देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, और दूसरा को क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर। तीसरा को क्या कहेंगे, ऑक्टल नंबर। और नेक्स्ट जो है लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उसी वही सिंबल जो है हमारा ये नंबर सिस्टम है या डिजिट्स है, उसी सिंबल्स को हम डिजिट कहते हैं। तो जनरली ये चार तरीके का है, बाइनरी डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले समझेंगे डेसिमल नंबर क्या है और फिर बाइनरी क्या है। वन बाई वन करके पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसकी कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर क्या है, इसकी ब्रीफ में मैं डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पे, कि डेसिमल नंबर उसे उस नंबर को कहते हैं जिसका रेंज जो है 0 to 9 होता है। ध्यान रहे डेसिमल नंबर की रेंज क्या होती है, 0 to 9, दैट मीन्स कहाँ से जाएगा ये 0, 1, 2, 3, ये 9 तक जाएगा, इसकी रेंज यहाँ तक है। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका क्या है, 10। आप गिन सकते हैं 0 से 9 तक हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 0 से 9 तक डिजिट जो है वो 10 तक होती है, इसलिए इसकी बेस क्या है 10 है और इसकी रेंज क्या है 0। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको डेसिमल नंबर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर की रेंज क्या है, 0 to 9 है और बेस क्या है 10 है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7, 8, 9, इसको हम ऐसे करके अगर दिखा दें तो आप कह सकते हैं ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल दिखाते हैं, 7, 7, 7, इसको भी हम बेस 2 10 दिखा सकते हैं, तो ये भी क्या होगी आपका, डेसिमल नंबर। 8, 8, 9, ये भी आपका क्या है, डेसिमल नंबर। तो ध्यान रहे डेसिमल नंबर की रेंज 0 to 9 होती है और बेस क्या होता है इसका, 10 होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को तो हम पहचानना सीख चुके हैं कि डेसिमल नंबर होता है क्या है, लेकिन यही तक नहीं है, इसके बाद क्या है, इसको जब कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा उसको समझना है एक्चुअल में। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट भी है, जैसे 7 to 8.14, तो ये भी क्या है, अगर बेस दे देंगे 10 तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इसका इंटीजर पार्ट है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं 7, 8, 9, तो इस 7, 8 को क्या कहते हैं, MSD, क्या कहेंगे 7 को, MSD, और इसको क्या कहेंगे, LSD, राइट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है ये ज़्यादा है। कैसे, मान लीजिए 7 हम यहाँ लिखे, इसके बाद कितने डिजिट है, 0, 0, इसकी वेट ज़्यादा हो गई, और 9 के क्या है, 9 सिंगल है, तो क्या हुई, इसका क्या है, इसका वेट कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लास्ट वाले को लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और शुरू वाले को क्या कहेंगे, MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो ये ब्रीफ में था कि डेसिमल नंबर होता है क्या, इसकी रेंज 0 to 9 होती है और इसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। कोई भी एग्जांपल हम लेंगे और उसको बेस में 10 लगा देंगे तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, चलें अब दूसरा देखते हैं। ये डेसिमल नंबर हो गया हमारा, कन्वर्जन अभी हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम चारों को देख लेते हैं उसके बाद कन्वर्जन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर। देखें बाइनरी नंबर जो होता है इसमें जो है दो ही डिजिट होते हैं, बाइनरी नंबर में है, सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर इसमें दो ही डिजिट होते हैं, जीरो और वन या जीरो कॉमा वन है, तो दो ही डिजिट होते हैं। तो रेंज क्या हो गया इसका, जीरो टू वन, और इसका रेंज ये हो गया जीरो टू वन हो गया, और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका टू। क्यों? चूंकि इसकी रेंज कितनी है, रेंज के बीच में कितने डिजिट्स है, टू, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब जब कोई भी हम नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम वन वन जीरो वन जीरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और बेस में क्या लिख देंगे, टू। तो कोई भी डिजिट यहाँ पे हो तो वो सिर्फ वन और जीरो के ही फॉर्मेट में हो तभी हम उसको कहेंगे बाइनरी नंबर, ठीक है ना। मान लीजिए वन वन जीरो टू थ्री, और इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? चूँकि टू और थ्री आएगा ही नहीं बाइनरी नंबर में, सिर्फ और सिर्फ जीरो या वन ही आएगा, या वन जीरो के कॉम्बिनेशन से ही बाइनरी डिजिट बनती है, ठीक है। तो इसको भी पहचानना बहुत आसान हो गया, बाइनरी नंबर का जो रेंज होता है वो जीरो टू वन होता है, और इस नंबर का बेस क्या हो जाएगा, टू। ध्यान रहे जितनी रेंज होती है उसी हिसाब से हम लोग बेस लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ टू डिजिट्स है तो बेस कितना हो गया हमारे पास, टू हो गया, ठीक है। इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए ये देखिए टू हो गया, फिर यहाँ पे लिखते हैं वन जीरो वन। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डेसिमल भी दे दिया, तो इधर भी इधर इंटीजर पार्ट हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम, एल एस, इसको कहेंगे हम एम एस डी, ठीक है ना, एम एस बी, और इसको क्या कहेंगे, एल एस बी। क्यों? हमने डेसिमल नंबर में कहा था एम एस डी और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, अब यहाँ पे क्या कहेंगे, एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि ये बिट है, जब ये बात आएगी तो जीरो एक बिट है, वन बिट है, तो इसलिए इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जीरो ये बिट है, ये बिट है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे इसको, एम एस बी दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ध्यान रहे, ठीक है ना। उसी तरीके से ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये बाइनरी नंबर भी हो गया। चले नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्टल से हम देखते हैं इसकी रेंज की, अगर ऊपर बात करेंगे रेंज, तो ये जीरो टू सेवन होता है, ठीक है। तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, अब आपको आसानी से समझ में आएगा, इसका बेस कितनी हो जाएगी, एट। क्यों? क्योंकि जीरो से सेवन को काउंट करेंगे तो डिजिट कितने आएंगे, एट आएंगे, तो ये हो गया हमारा एट। अब हमको एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, वन टू थ्री, अगर यहाँ बेस एट दे देंगे, अगर यहाँ बेस एट होगा तो आप इसको कह सकते हैं ऑक्टल नंबर, ठीक है। लेकिन इसी वन टू थ्री में अगर बेस टेन दे दिया जाए तो ये ऑक्टल नंबर ना होकर क्या कहलाएगा, ये डेसिमल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चले तो अभी हम लोग ऑक्टल नंबर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 776, ये भी एक ऑक्टल नंबर है। अब हम देखते हैं 987, क्या ये एक ऑक्टल नंबर है, नहीं है। क्यों? चूँकि 9 और 8 जो है इस रेंज में नहीं है, 9 और 8 क्या है, 0 टू 7 के रेंज में नहीं है, तो इस ये क्या होगा, ऑक्टल नंबर नहीं होगा। तो जो भी ऑक्टल नंबर होगा 0 टू 7 के बीच में होगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 0 से 1 के बीच में कौन कौन ऑक्टल नंबर, तो क्या होगा, 0 1 2 3 7, 7 तक क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर हो जाएगा। फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13, इसी तरीके से, यानी 8 और 9 यहाँ पे नहीं आएगा किसी भी नंबर में, ऑक्टल में, ध्यान रहे। तो ऑक्टल नंबर का ये देखें, रेंज 0 टू 7 होता है, बेस क्या होता है, 8 होता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा दिए हैं, 476, ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया, ठीक है ना, 47.23, इसका डेसिमल वाला भी आप देख सकते हैं। तो मैंने दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देखा डेसिमल नंबर, उसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 9, उसकी बेस कितनी होती है, 10। उसके बाद हमने देखा बाइनरी नंबर, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 1, उसकी बेस कितनी होती है, 2। फिर हमने देखा ऑक्टल नंबर, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज जो है 0 to 7 होती है, और बेस कितना होता है, 8 होता है। लास्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल नंबर। ये देखें हेक्साडेसिमल नंबर का जो रेंज होता है, रेंज आप समझ गए, आप नंबर सिस्टम यहां से समझ जाएंगे, ठीक है ना, 0 to 15, राइट। रेंज कितना होता है, 0 to 15, तो जल्दी से बताएं आप बेस कितना हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत लोगों ने निकाली होगा बेस कितना होगा इसका, और आपका आंसर सही है, यहाँ पे बेस है 16। 0 से 15 काउंट करेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो अब कोई भी आप नंबर उठा लें, यहाँ पे 7, 8, 9,
अभी तक तो अभी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये डेसिमल है या हेक्सा है। अगर हम यहाँ 16 लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, ये हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है ना। और इसका अगर हम 7, 8, 9 बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये भी हेक्सा है। अगर हम 7, 7, 6 लिखते हैं और यहाँ बेस में भी कुछ नहीं देंगे तो ये ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे हेक्सा। चले यहाँ तक तो क्लियर है, हेक्सा सिंपल में आ रहा है। लेकिन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारा जो रेंज है जीरो, थोड़ा हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारा जो रेंज है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं 10 को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। 11 को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। 12 को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। 13 को डी से, और 14 को ई से, और 15 को एफ से। याद रहे 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा जैसे ए 4, 6, आप तुरंत यहाँ पे लिख दें 16, क्योंकि ए जो है जो भी सिंबल ए से लेकर एफ तक आएगा वो हेक्साडेसिमल का ही सिंबल होता है, ठीक है। तो ये याद रखें 0 to 9 होगा, और 10 से जो 15 होगा वो ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो और भी हम एग्जांपल यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे ए डी सिंपल यहाँ देखें तो ये 16 ये भी क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्लास समझ में आ गया होगा। हमने आज से बेसिक कंसेप्ट जाना, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला डेसिमल नंबर, दूसरा बाइनरी नंबर, तीसरा ऑक्टल नंबर, और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर। सबके आप रेंज याद कर लें आज, ठीक है ना। डेसिमल के रेंज कितने होते हैं, 0 to 9, बेस कितना होता है 10, और बाइनरी का रेंज 0, 1, बेस कितना होता है उसका 2। ऑक्टल के रेंज कितना होते हैं, 0 to 7, और बेस कितना होता है 8। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर लास्ट जो है इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 15, और रेंज इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा 16। और ये नंबर आप याद कर लें, आगे बहुत काम आएगा, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग कंसेप्ट इतने ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का जो टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन। हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे करें, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम को डिफरेंट में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उसे सीखें।